नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेट। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ग्राम सभा हरदो। मामला अमेठी जिले के विकासखंड जामो की ग्राम सभा हरदो का है, जहां 20,000 देने के बदले ही प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। यहां जो गरीब यह व्यवस्था नहीं कर पाता है, आवास नहीं मिल सकता। पीड़ित मेनका मौर्य आवास न मिलने के कारण अनुसूचित जाति के घर में रह रही है। पीड़ित ने बताया है कि बरसात में यही लोग न होते तो मैं मर जाती। जब राकेश दुबे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरदो से बात कही गई तो 20,000 रुपए की मांग की गई, जिसे हमने नहीं दिया और दूसरे के घर में रहना पड़ रहा है। वहीं दूसरे पीड़ित ने बताया है कि गांव में 25 घर हैं, जिसमें से 3 को ही शौचालय दिया गया है। इसी ग्राम सभा का एक परिवार राजापुर जहां एक भी शौचालय नहीं दिया गया है। प्राइमरी पाठशाला राजापुर हरदो में न पीने के लिए पानी है, न साफ सफाई है। स्कूल की फर्श टूटी हुई है। एक अध्यापिका आती है, 10-15 बच्चों के बीच अंदर ही कमरे में बैठा कर पढ़ाती है, क्योंकि बाहर बैठने की जगह नहीं है। चारों तरफ गंदगी भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, कहीं लकड़ी रखी हुई है, कहीं बाउंड्री वॉल नहीं है। आदि समस्याओं का कारण यक्ष है कि प्रधान चंद्रवान मौर्य है, लेकिन सारा कार्य राकेश दुबे देखते हैं। ग्रामवासी राकेश दुबे को प्रधान मानकर उन्हें ही आवास पर 20,000 रुपए प्रति आवास पर देते हैं। जब ग्राम प्रधान से ग्राम सभा के शौचालय की बात कही गई तो वे बोले कि धन नहीं है, इसलिए शौचालय नहीं दे रहे हैं। समाचार A to Z के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। मैं आपको आरती। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या नाम है? लाल जी। अच्छा, गांव कौन सा है? आबाद मऊ। अच्छा, आबाद मऊ। ग्राम सभा हर। ये आपका ये घर है आपका? जी। तो ये आपको आवास नहीं मिला क्या? अभी कुछ नहीं मिला। शौचालय भी वो नहीं मिला। तो आवास क्यों नहीं मिला, क्या कमी है? नाम नहीं है कि बस अब कुछ प्रधान के कहा था, पैसा मांगा था। कितना मांग रहे हैं? 20,000। 20,000 रुपए मांगते हैं, ठीक है। इसलिए आवास शौचालय के लिए मैं कुछ नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला है? नहीं। ठीक। नाम है आपका? भगवाना। गांव कौन है? कहाँ नौना बतावा? आबाद मऊ। तो शौचालय मिला है? नहीं, ना मिला। प्रधान देखे आये कबू की कहूँ उनसे ना आये देखो ना है। ठीक। गांव कौन सा है? आबाद मऊ। राम सभा कौन सा है? हरदो। अच्छा, क्या समस्या है आपके यहाँ? अरे समस्या साहेब, बोरे से चले नहीं पाई। शौचालय आवास मिला है? नहीं, कुछ हो नहीं, कुछ नहीं। शौचालय कुछ नहीं। अच्छा, राशन मिलता है? हाँ। राशन में क्या पूरा मिलता है राशन आपको? राशन साहेब पाँच हम पाई, पाँच हमारा आदमी। अच्छा, दो यूनिट है आपके? हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये घर आपके पास नहीं आवाज? कुछ नहीं, देख लिया साहेब छान छप्पर में। हाँ, आधा गिरा हुआ है साहेब। अच्छा, केवल मतलब पुआल पे है? हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? मेनका। गांव कौन सा है? आबाद। ग्राम सभा हरदो। कौन सा है ग्राम सभा? हरदो बोलते नहीं, हरदो है। ये आवास घर आपका है? आपका है। तो ये कैसे कहाँ रह रही? ये तो गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। रहती हो कहाँ? श्यामलाल के। श्यामलाल के यहाँ? कौन से कास्ट के हैं, मतलब कौन जात के हैं वो? तुम कौन कास्ट के हो? मौर्य हो है? तो मतलब कैसे रह रही हो? घर तो गिरा हुआ है। नहीं, चौकीदार के यहाँ रही थी। वहाँ रहती है? मतलब अपने घर में नहीं रह रही है? नहीं, गिर गया, कहाँ रहे। तो प्रधान से आपने कहा था ये बात? प्रधान से बताओ, प्रधान नहीं सुनते। कहा कहे प्रधान? प्रधान कहा थी दिया बन जाता। अच्छा, देना। तो कैसे मतलब क्यों उनके घर में रही है, क्या क्या कमी है इसमें घर में? हमारे गिर गया साहेब घर, हम कहाँ रहे? हम आन के घर में रहे थे। तो प्रधान से आपने प्रधान कुछ मांगे हुए तो नहीं? प्रधान 20,000 रुपया मांगे में कुछ है ये नहीं का दी। अच्छा ठीक ठीक। नाम है आपका? हमारे गायत्री देवी। अच्छा, ये आवास किसका है? ये आए हम मेरे दौरे की। अच्छा, भवानी प्रसाद का। भवानी प्रसाद राधा। अच्छा, ये आवास इनको मिला नहीं क्या? नहीं।
तो ये कैसे रह रहे हैं यहाँ पर? अब इनके ऐसे रहा भैया गिरा पड़ा है सब आन के घर में रहा था, दूसरे घर में रह रहे हैं। हमारे तो प्रधान द्वारा मतलब सूचना मिली, प्रधान को नहीं मिली? प्रधान कुछ देता ही नहीं ना, दौड़ दौड़ जाती वह कहा थी अब की मिले तब की मिले, वह कौन सुनवाई नहीं करते। अब साठी लड़का कहाँ लेके रहे हैं? कोई मांग तो नहीं की उनकी? वही पैसा मांगा थे, वही कहाँ से दिए, खा जा करेंगे। हाँ कितना करीब कितने पैसे की मांग है? 20,000 ले, 20,000 रूपया। शौचालय मिला है? नहीं कुछ नहीं। शौचालय भी नहीं मिला? नहीं। अच्छा, हमका सबका कुछ नहीं ना मिला। शौचालय भी नहीं मिला? नहीं। ठीक, मैं आपका श्यामा बताइए, गांव कौन सा है? क्या समस्या है? समस्या साहब की छप्पर के तरह रहते हैं, हमारे बच्चे दबा करके चटा गया है, दवा कराया है, हमको प्रधान जी देते नहीं कॉलोनी, हमको कहते हैं अब की आए तब की आए, हमका देते नहीं साहेब। अच्छा हाँ। और शौचालय? शौचालय शौचालय कुछ नहीं साहेब। अच्छा शौचालय हाँ। भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला साहेब। तो प्रधान कौन है आपके यहाँ? राकेश दुबे। हाँ। अच्छा क्या कह रहे थे वो? कहते हैं कि साहेब अब की आएगा तो तब की आएगा तो देंगी देंगी, देते नहीं साहेब तो कैसे, कहाँ रही नान नान बच्चा लेके छप्पर के तरह रहते हैं, पानी में वैसे बैठी रहते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। मतलब लेकिन कोई मतलब साहेब सामने पानी भर जाता है ही, पानी में बैठे रहते हैं। अच्छा नान नान बच्चे लेके। अच्छा अच्छा हाँ साहेब। यही छान का घर है आपका? हाँ हमारा छान का घर है साहेब। ठीक, बच्चे हमारे चटा गया है भादों में। अच्छा दवा कराया, आया गाली खाया कि सरकार पैसा देगा, पैसों नहीं दे कि 10-20 हजार दे दे, 5,000 दे देती तभी हमारे बच्चे इनका खिलाएंगी, आन कर मजदूरी करके साहेब करते खाते हैं। वो राशन नहीं मिलता है क्या? राशन मिलता है साहेब, हमारा 5 किलो ले लिया थी, काट लिया थी। 5 किलो ले लेते हैं? हाँ 5 किलो ले लेते। कौन है कोटेदार? कोटेदार तीरथ बढ़ई। अच्छा हाँ साहेब 5 किलो काट लेते हैं। अच्छा हाँ क्यों काट लेते हैं? काट लेते हैं, कहा अब बोली साहेब तो हम हमारी जाई। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ले जाओ 35 किलो है, 35 किलो के अलावा 5 किलो गेहूँ, 3 किलो गेहूँ काट लेते हैं साहेब, 3 किलो चावल काट लेते हैं। क्या कहते हैं मतलब काट? कहते हैं कि और जनता का देंगे, 35 किलो घर वहाँ से लिख के देते हैं। अंत्योदय कार्ड है तुम्हारा? हाँ लाल वाला। हाँ लाल वाला है। तो उसमें 5 किलो काट लेते हैं? हाँ काट लेते हैं साहब। ठीक 35 की दी थे। ठीक है। और 16 किलो गेहूँ मिला था साहेब मौके पर, 16 किलो और 11 किलो चावल मिलता है। कितना पैसा लेते हैं? लेते हैं सब हाँ 100 में 10 रुपया उतारते हैं। 90 रुपए में 16 किलो गेहूँ और 9 किलो और 10 किलो चावल देते हैं, कोने दाएं 9 किलो कोने दाएं 10 किलो। ठीक, और 15 किलो के हिसाब कहा कि 15 किलो चावल दिए थे। अच्छा हाँ। तो आपको मतलब इतना मिलता है? इतना मिलता है साहेब। ठीक है। सूर्यराम। पिता का नाम क्या है? सूर्य। गाँव कौन सा है? आवाज़ मऊ। ग्राम सभा? हरदो। ये प्रधानमंत्री आवास आपको मिला है? हाँ जी। अच्छा तो क्या समस्या है आपकी? साहब इसकी मजदूरी नहीं मिली। मजदूरी नहीं मिली? नहीं। अच्छा इस आवास में कहीं खर्चा उर्चा तो नहीं लगा? साहब जो खर्चा लगा 20,000। 20,000 कौन लिया था? प्रधान। प्रधान थे कि और कुछ सेक्रेटरी? नहीं प्रधान ने। प्रधान ने? हाँ जी। क्या नाम है प्रधान का? राकेश। राकेश जी। राकेश पूरा नाम बताइए। नहीं राकेश बता रहे हैं ना, चंद्रभान मौर्य। प्रधान आप अपने प्रधान को नहीं जानते? कौन है साहब? अभी जानते तो है। काम कौन कराता है आपके यहाँ? काम तो साहब ये नहीं कराते हैं, राकेश है नहीं, नहीं, नहीं। पैसा कौन लिया था आपसे? पैसा तो नहीं लिया, राकेश से लिया। राकेश जी ठीक। क्या नाम है आपका? रमेश प्रजापति। गाँव कौन सा है? हरदो। हरदो। क्या समस्या है इस ग्राम सभा में, क्या समस्या बताइए? समस्या हमारे यहाँ शौचालय की है, आवास की है, नाली खड़ंजे की है। इसकी पेमेंट तो करा ली जाती है लेकिन मौके पर काम नहीं कराया जाता है। ग्राम प्रधान का कहना है कि जो है शौचालय का अभी पैसा नहीं आया है इसलिए शौचालय नहीं दिया गया है। शौचालय का पैसा गवर्नमेंट देती है लेकिन यहाँ मौके पर वो प्रयोग नहीं किया जाता है जिस तरीके से करना चाहिए। अभी एक पूर्वा है राजा पूरे राजा पूरे राजा
उसमें एक भी शौचालय नहीं मिला हुआ, क्या कारण है कि उस गांव में पैसा ना होने के आने कारण किया, क्या कारण है क्यों नहीं बनाए शौचालय? ये शौचालय के नाम पर तो पैसा खा लिए हैं। अच्छा हाँ, मैंने इसकी शौचालय की सूची भी निकलवाई थी, उसमें देखा कि काफी लोगों के नाम पर पैसा निकाल लिए हैं, लेकिन मौके पर जो लाभार्थी थे उनको नहीं दिया गया। ये खनंजे की भी बात आपने पहले कही थी, क्या कार्रवाई, कुछ जांच हुई थी क्या? हाँ, इसमें मैंने शिकायत की थी डीएम साहब को, तो मौके पर डीसी मनरेगा मीनाक्षी जी आई थी और मौके पर उन्होंने जांच भी किया, लेकिन अब क्या किया हम ये नहीं कह सकते। मतलब कोई निर्णय भी नहीं आया? नहीं आया है। अच्छा ठीक, क्या नाम है आपका? श्यामलाल। गांव कौन सा है? अबादमऊ। ग्राम सभा? हरदों। हरदों। शौचालय, क्या ग्राम सभा में शौचालय मिला हुआ है? नहीं जी। आपको मिला है शौचालय? नहीं जी। क्या बोले प्रधान, क्या बोले? आ जाएगी, बस यही कहते हैं आ जाएगी। हाँ। मतलब अभी मिला नहीं? अभी किसी को नहीं मिला, पूरे पूरे में नहीं मिला। इस पूरे में दो तीन हैं बस खाली, और किसी को नहीं मिला। कितने घर का है पूर्वा ये? ये कम से कम 25 घर का। 25 घर में दो तीन घर में अब मिला हुआ है जी, बाकी और लोगों में नहीं मिला। और लोगों में नहीं मिला। ठीक, क्या नाम है आपका? चंद्रभान मौर्य, ग्राम प्रधान। ये आपके ग्राम सभा में पूर्वा है राजापुर, उसमें एक भी शौचालय नहीं मिला हुआ, क्या कारण है? पैसा ना आने कारण, वहाँ के भी नहीं दिया, धन आ जाएगा वहाँ दे दिया जाए। वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ की भी स्थिति बड़ी गड़बड़ दिख रही है। वहाँ कोई भी डेकोरेशन नहीं, कोई एकदम गंदा पड़ा हुआ है चारों तरफ से, उसमें जो कि गांव वाले लाके पैरा कहीं रख रहे हैं, कहीं लकड़ी रख रहे हैं, कहीं खोदा जा रहा है, कहीं नल की भी स्थिति बड़ी खराब हुई है। क्यों उसके कारोबार मतलब उसमें बन नहीं पा रहा है, क्या बात है? धन नहीं है, बाउंड्री ना होने के कारण, इसीलिए बाउंड्री ना होने के कारण भी वहाँ किया जा रहा है। तो उसको आप विकास कैसे करेंगे फिर? धन आ जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा। मतलब ग्राम धन नहीं है? हाँ, भक्ति में पुराना काम चल रहा है। अच्छा, आपके यहाँ कायाकल्प में कितने स्कूल चयनित हुए हैं? तीन में, मतलब कितने कायाकल्प के अंदर तीनों स्कूल आ गए हैं कि तीनों स्कूल है? जी, कायाकल्प में कितने स्कूल है? तीन है। तो अभी कार्य हो रहा है उस पर कुछ? स्कूल में कार्य हो रहा है। अच्छा, काम चल रहा है। ठीक।